तो आज की हमारी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी इस रिफ्रेश बैच या हम लोग ये कह सकते हैं रिवीजन बैच में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जानते हैं वीवीए के फंडामेंटल्स के बारे में। वीवीए क्या है? तो वीवीए को बोला जाता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब ध्यान रखिएगा, ये VV6 नहीं है, ये आपका .NET नहीं है, आपका VV स्टूडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से आप एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, राइट? लेकिन वीवी ऐसा नहीं करता है। वीवी एक्सेल के अंदर टूल्स डेवलप करता है। जी हाँ, टूल्स डेवलप करता है जो एक्सेल के अंदर ही चलता है। एक्सेल ही नहीं कहिए, एमएस ऑफिस कहिए, लेकिन हर जगह पे इंडिविजुअल बनता है। एक्सेल की बनी हुई मैक्रो आप वर्ड या पावर पॉइंट में नहीं चला सकते। तो आप जो है एक्सेल में जो चीजें बनाते हैं एक्सेल में ही रन होगा, बाहर कहीं रन नहीं होगा। आप ईएक्सई फाइल या इंस्टॉलेशन फाइल बगैर नहीं बना सकते। तो वीवी के थ्रू बनाएंगे क्या और क्यों? पहला आता है आपका मैक्रो। माइक्रोज इसको बोला जाता है, ये जो माइक्रोज है इसको हम बोल सकते हैं ऑटो पायलट। जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उसकी ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए फाइनली जो हमारा रिपोर्ट होता है वो डेटा विजुलाइजेशन टूल्स होता है। क्या होता है? डेटा विजुलाइजेशन मतलब कि हम एक रिपोर्ट लेते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं ताकि सामने वाले बंदे को सब कुछ समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं कि मैं एक काम करता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसी को ओपन किया, जैसे इसको मैंने ओपन किया तो ओपन करने के साथ दिख रहा है रिपोर्ट है। अब इस तरह की विजुलाइजेशन क्रिएट करता है। इस तरह की विजुलाइजेशन क्रिएट करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है और सम टाइम मेरा डेटा सही फॉर्मेट में नहीं होता है या फिर डेटा को सही फॉर्मेट में करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर कॉम्प्लिकेटेड डेटा है तो मुश्किल होता है। आप बोलेंगे किस तरह का कॉम्प्लिकेटेड डेटा? तो चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है और एक सीट है और उस सीट के अंदर बहुत सारे डेटा, उस फाइल के अंदर बहुत सारे शीट्स है, मतलब कि मल्टीपल शीट्स में डेटा है। अब उस डेटा को मुझे एक सीट के अंदर कुलेट करना है या एक फोल्डर है। आपने मान लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन मंगाई है बहुत सारे जगहों से, तो प्रॉब्लम हुआ कि वो इंफॉर्मेशन कई सारे फाइल के फॉर्म पे आपको आ गई है। अब सारे इंफॉर्मेशन को हम कुलेट करेंगे तभी उसको हम यूज कर पाएंगे। अगर हम उसको कुलेट नहीं करेंगे तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्या एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आते हैं कि मेरे पास एक डेटा है, डेटा आया। अब ये डेटा कई सारे शीट्स में है, डेटा का फॉर्मेट अलग अलग कई सारे शीट्स में है। अब ये डेटा इकट्ठा मुझे एक शीट पे मिलेगा तभी तो इसके ऊपर कीवर्ड्स और बाकी जो समराइजेशन वाला पार्ट है वो हम कर पाएंगे। मेरी समझ रहे हैं आप कि आपको जो डेटा मिला टुकड़ों में मिला और कई सारे शीट्स में, अब शीट की संख्या फिक्स नहीं है, कभी 100 हो सकती है, कभी 200 हो सकती है, कभी 500 हो सकती है, या ऐसे कहिए कि आपके पास फाइल्स है और फाइल्स जो है कई सारे फॉर्मेट में है। मान लीजिए ना कि आपने पैन इंडिया का काम आप देखते हैं और आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आपने पैन इंडिया को बोला कि भाई सारे लोगों को जो 1500-1600 लोग हैं उनको बोला कि भाई तुम लोग मुझे ये इन्फॉर्मेशन भेज दो। सबने अपने इन्फॉर्मेशन अपने अलग अलग फाइल पे भेज दी। अब सोच लो 1500 फाइल का डेटा एक जगह कुलेट करेंगे तभी तो पैन इंडिया की एनालिसिस कर पाएंगे, चाहे किसी सॉफ्टवेयर से करें। तो वहां पे आपको वीवीए हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एक क्लिक पे हमने यहाँ पे माइक्रो बनाया और माइक्रो इसके अंदर हमने एक बार इसको रन किया और कुछ ही सेकेंड्स में इसने क्या किया, सारे डेटा को कुलेट कर। तो बेसिकली आपने देखा कि इसने स्टेप उसी स्टेप को फॉलो किया जो आप मैन्युअली यूज करते। जो कोड दिख रहा है एक कोड वही स्टेप है कि सीट में गया, डेटा को कॉपी किया, वापस आया, पेस्ट किया, फिर डिलीट किया रो स्टार को है, और फिर सीट का नाम वगैरह दिया। तो वही काम कर रहा है जो मैन्युअली हम करते हैं, लेकिन हमसे 1000 टाइम फास्ट करता है।
और 100% एक्यूरेसी के साथ करता है। तो माइक्रो एक ऑटो पायलट होता है कि आपके पास जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को आप कोड के फॉर्म पे लिख दीजिए, जिससे क्या होगा आपका एक सिंगल क्लिक पे आपका माइक्रो रन हो जाए। तो इसमें दूसरा जो हम बनाते हैं वीबीए के थ्रू वो फंक्शन कहलाता है, मतलब जो एच लुकअप वी लुकअप जैसे फॉर्मूले होते हैं आप अपने लिए खुद के फॉर्मूले बनाए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि फॉर्मूला में आपके पास 500-600 से ऊपर ऑलरेडी इनबिल्ट फॉर्मूला है, तो नए फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ गई। बेसिकली फॉर्मूले हैं लेकिन गारंटी थोड़ी है कि आपके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बने। जैसे हम वी लुकअप की बात करें तो जो वी लुकअप है हमारा, जो वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप क्या कर रहा है, आपके पर्टिकुलर डेटा को लुकअप करके देता है, राइट। लेकिन इसका तो फिक्स है भाई, रो नंबर कॉलम नंबर वन पे डेटा होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट डेटा होना चाहिए, रिपीटेड वैल्यू नहीं उठाएगा, ऐसी सारी फाउंडेशन है। तो आप अपने लिए अपने कैलकुलेशन के हिसाब से खुद के लिए फॉर्मूला बना ले जो कि आपको आपके हिसाब से रिजल्ट दे। दूसरा आता है हमारा यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब आप डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं या कोई स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसको यूजर फॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एफएक्स पे क्लिक किए पॉपअप आया ना, जिससे तो ये ऑल्सो यूजर फॉर्म है। इस तरह की चीजें भी आप बना सकते हैं, या पिवट इंसर्ट करते हैं तो इस तरह का पॉपअप आता है, इस तरह के पॉपअप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो कैसा होता है यूजर फॉर्म, चलिए हम इसके बारे में आपको दोबारा बताते हैं। एरा अब इस फाइल को जैसे मैं ओपन करता हूं वो मेरा फाइल डिसेबल हो जाता है और यूजर फॉर्म खुल जाता है। देखिए आ गया सर, दिख रहा है, शो डेटा भी क्लिक कीजिए। तो मुझे मान लीजिए डेटा एंट्री करनी है तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, इस तरह का फॉर्म आएगा, यहाँ जो भी फिल करूंगा और सेव करूंगा, ये वैलिडेट करेगी एंट्री को, उस एंट्री को वैलिडेट करके इसके अंदर एंट्री कर देगी, इसको बोला जाता है यूजर फॉर्म। तो ये समझ लीजिए कि वीवीए के थ्रू हम तीन चीज बनाते हैं, माइक्रोज, फंक्शन और यूजर फॉर्म। तो माइक्रोज और फंक्शन क्या होता है, ये आपके जो भी आप काम करते हैं उसमें हेल्प करता है। जैसे आपको कोई डैशबोर्ड डेली बनानी होती है राइट, और डैशबोर्ड में बहुत सारे ऐसे पार्ट है कि मैनुअल है, वो फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट नहीं होगा, कॉपी पेस्ट सिस्टम है, तो उस चीज को आप बनाकर रन करें अपने आप बन जाएगा। या फिर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट कुछ काम आता है, जैसे 100 लोगों को मेल करना है, तो 100 लोगों को मेल करना है तो आप किसी को भी आप एक माइक्रो बना दे, बटन पे क्लिक करें, 100 लोगों को मेल 1 सेकंड में चली जाएगी। तो इस तरह की चीजें आप यहां कर सकते हैं, ये जो फॉर्म इंटरफेस थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइक्रो क्यों होता है। चिंटू जी, सुरेश जी, आप लोग दोबारा आए हैं तो लेट आए हैं, मैं बता दूं मैं रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इन सबकी डिमांड थी कि जो मैंने पढ़ाया है वो सबको एक बार फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, सुरेश जी ने अपना इसमें क्वेश्चन आता है, ये हो गए। अब यहाँ पे दो चीजें नहीं है, हम माइक्रो तभी यूज करते हैं जब हमारे पास रिपीटेड जॉब, मतलब कोई काम अगर बार बार आ रहा है तभी ऑटोमेशन करोगे ना। मान लीजिए आपको बार बार घर से बाहर निकलना है तभी आप गाड़ी वगैरह खरीदोगे, साल में एक आध बार कहीं जाते हो तो गाड़ी खरीदना तो बेवकूफी होगा, आप क्या करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन वही आपको डेली बाहर जाना हो तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सुटेबल ना होता हो तो आप गाड़ी खरीदेंगे। सेम उसी तरह से जब रिपीटेड जॉब आएगा तो हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, या लेंदी जॉब, ऐसा काम जो आया तो एक बार है लेकिन काफी बड़ा लेंदी है, उस केस में हम यूज करेंगे अपनी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को। दूसरा आता है किसके लिए, देखिए आप अपने लिए यूज करें तो करें, किसी और के लिए मान ऐसी फाइल जो बहुत सारे लोगों को जानी है उस पर माइक्रो अवॉइड करें, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो हर माइक्रो का डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट हर फाइल का। तो जब भी किसी को भेजेंगे तो उसको माइक्रो सिक्योरिटी एनेबल करने का पॉपअप देगा, सिक्योरिटी अलर्ट टाइप का। तो जो माइक्रो को जानता है वो तो एनेबल कर लेगा, जो माइक्रो को नहीं जानता वो बोलेगा यार इसमें तो वायरस है या इसमें तो कुछ ऐसा हो गया है, वो उस इग्नोर करेगा, फिर इसको समझाना होगा या फिर अनेबल करे तब जाके वो करेगा, इसलिए आप इन सब चीजों को अवॉइड करें।
अब करते हैं कि माइक्रो स्टार्ट करने से माइक्रो माइक्रो को यूज करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। दो तीन चीजें हैं इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहला कि आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए क्योंकि तो नेविगेट करने की जरूरत पड़ती है। तो फाइल के अंदर जाएं, ऑप्शंस के अंदर जाएं और यहाँ कस्टमाइज रिबन में आए, ये रहा आपका पॉपअप, इस पर क्लिक करते ही चेकबॉक्स पे आपके पास आ जाएगा। दूसरा माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर दें, क्योंकि तो इसको अनेबल नहीं करेंगे तो जब भी माइक्रो वाली फाइल ओपन करेंगे आपका माइक्रो वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप अनेबल ना करें। उसके बाद आप करें फाइल को सेव, इसमें माइक्रो अनेबल वर्कबुक, गलती से भी माइक्रो वाली फाइल को आप एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं करेंगे, उसको सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, राइट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि और क्या, तो विजुअल बेसिक पे क्लिक करना। क्या विजुअल बेसिक इंस्टॉल करना पड़ेगा? जी नहीं, ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का विंडो दिखता है। इसको प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट एक्सप्लोर बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। ये नेविगेशन के लिए चाहिए कि जितना फाइल आपने नीचे खोला हुआ है सारा फाइल का लिस्ट यहाँ पे आता है, एडिट्स का लिस्ट आता है, जिसपे क्लिक करके उनके माइक्रोज को आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पे क्लिक करें, आ जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर और प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्लिक करना, तो दो चीज होना चाहिए। अब माइक्रो कहाँ लिखे? देखिए बुक वन है, आप देखेंगे कि बुक वन के अंदर टोटल 3 शीट्स हैं, तो यहाँ भी आपको 1, 2, 3 शीट्स दिख रहा है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करके या इस पे डबल क्लिक करके या इस पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ कोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि शीट वन पे कोडिंग किया, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखा कि सब RR, ऐसे ही नाम दे दिया, तो आप जाके देखेंगे कि माइक्रोज में यहाँ RR नाम का माइक्रो आया, लेकिन किसी ने शीट वन को कर दिया डिलीट तो आपके सारे माइक्रो तो गए। अब देखिए इसलिए हम नहीं करते। अब कुछ लोग बोलते हैं दिस वर्कबुक में कर ले, बट यहाँ भी कोडिंग नहीं करें क्योंकि फिर दूसरे फाइल और शीट से रेफरेंस नहीं ले पाता। इसलिए जब भी कोडिंग करें इंसर्ट करें मॉड्यूल और फिर यहाँ पे करें कोड। क्या करें? यहाँ पे करें कोड। तो कैसे करें कोड? देखिए कोई भी माइक्रो लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब, पब्लिक सब या सब, स्पेस देके अपना माइक्रो नेम, जो भी माइक्रो नेम देना चाहते हैं। पर ध्यान रखिए एक नाम के दो माइक्रो नेम होने चाहिए और माइक्रो नेम के अंदर किसी तरह के स्पेस वगैरह या डैश डैश वगैरह या फिर जो स्पेशल करेक्टर है वो नहीं होना चाहिए। अब जो भी हम कोड लिखेंगे इन्हीं के बीच में कोड लिखेंगे, बट कोड लिखे तो क्या लिखे? देखिए जब अब कोड तो कोड की तरह मत समझिए, समझिए एक लैंग्वेज की तरह। आप कोशिश कीजिए कि मैं एक्सेल से बातचीत करना, अपनी बात को एक्सेल पे समझाना है। जब भी हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं उसका पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ भी सेम ऐसा होता है। मेनली 4 होते हैं जिससे हमारा मोस्टली कोड शुरू होता है, जैसे वर्क बुक, सॉरी एप्लीकेशन, वर्क बुक्स, शीट्स एंड रेंज, इसी से हमारा माइक्रो शुरू होता है। पर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो शुरू होगा तो किससे शुरू होगा, कैसे डिसाइड करें कि हमारा कौन सा वर्ड लिखना है? बेसिकली ये चीज में आपको हेल्प करेगा एल्गोरिथम। जी हाँ बिल्कुल सही बकरे, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम किस तरह का हेल्प करेगा? जैसे कि मान लीजिए मुझे एक बनाना है माइक्रो बनाना है कि मुझे एक फाइल ऐड करनी है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एल्गोरिथम बनाया स्टार, हमने बोला कि एड न्यू फाइल, फिर जो फाइल ऐड की है उसको सेव सेव करना है इन डी ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव 2022 123.xml, ठीक है सर। फिर मुझे एक शीट ऐड करनी है, शीट्स ऐड करनी है, क्या लिख देता हूं यहां पे कि ऐड सीट, रीनेम सीट एज ए डेटा और फिर सिलेक्ट
81, टाइप या एंटर, नेम सेलेक्ट B1, टाइप रोल नंबर, और सेलेक्ट C1, टाइप मार्क्स, और सेलेक्ट A1 से C10, अप्लाई ऑल बॉर्डर। इसी तरह से आपको बनाना है। तो बोले सर ये बनाना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में तो बनाया तो बेटर रहेगा, लेकिन आपको बनाना तो आपके बाद में ही बनाना पड़ेगा। तब जब आप किसी को किसी के काम करेंगे, जैसे आपका अपना काम है तो आपको पता है ना कि कौन सा रिपोर्ट कैसा है वगैरह वगैरह, आपको पता है। लेकिन जब आप किसी और का रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम होगी कि आपको नहीं ना आइडिया है कि उसके उस क्या क्या है उसके पास क्या। तो चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे एक माइक्रो लेते हैं, सब, और फर्स्ट एम के नाम से ले लिया। हाँ अंडरस्कोर दे सकते हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर देंगे तो वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आता है एड न्यू फाइल। अब न्यू फाइल ऐड कर रहे हैं मतलब कि हम वर्क बुक को इफेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ वर्क बुक का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्क बुक डॉट एड। अब बात आती है कि हमें फाइल को सेव करना है, तो बेसिकली सेव करने का कोड होता है वर्क बुक्स डॉट एड, और फिर यहाँ पे एड, नहीं एड माफ कीजिएगा, बुक वन डॉट एक्स, और फिर यहाँ डालते हम लोग सेव आए, और यहाँ देते हैं पाथ जैसे कि edrive/2022/123.xlsx, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक कोड यहाँ नहीं लिख सकता। अब एक कोड यहाँ लिखूंगा तो हो सकता है कि एक बार में वर्क कर जाए, क्योंकि जब भी फाइल ऐड होगी उसका नाम बुक वन नहीं ना होगा, उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना पता है कि जब भी हम यहाँ से न्यू करते हैं, नया फाइल लेते हैं, तो क्या होता है, वही फाइल एक्टिवेट होता है सामने। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एक्टिव वर्क बुक, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, समझे, क्लियर है। तो जो फाइल ऐड होगी उसको इसने सेव एज कर दिया, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना यहाँ पे वर्क बुक डॉट एड डॉट सेव एज, एक कोड भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मुझे एक नई शीट अप्लाई करनी है, तो सेम शीट्स डॉट एड, एक नई फाइल ऐड हो गई, और जो फाइल ऐड हुई उसको रिनेम करना है, तो जो जो शीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है। यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, फिर मुझे पीछे A1 पे क्लिक करना है, तो A1 को, A1 क्या है, रेंज है, सेल है, तो VBA में सेल होता है रेंज, यहाँ पे लिखेंगे रेंज, कौन सा रेंज, A1, A1 को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। अब जो सेलेक्ट है वही एक्टिवेट है, सिंगल सेल है इसलिए एक्टिव लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट, तो तीन बार हो गया, डॉट वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा नेम। फिर इसी कोड को हम तीन बार रिपीट कर देते हैं और हम बस चेंज कर देते हैं, यहाँ डालेंगे कि C1 नहीं B1 होगा ना, B1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रोल नंबर, यहाँ हो जाएगा हमारा C1, और यहाँ पे रोल नंबर के जगह पे हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। और फिर यहां पे हम कर देंगे कि सेलेक्ट, यहां पे रेंज A1 से C10 डॉट बॉर्डर्स डॉट
लाइन स्टाइल्स इक्वल टू वन, मतलब कि कंटिन्यूस ऑल बॉर्डर। अब ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं कि डॉट सेलेक्ट और फिर यहां लिख सकते हैं सेलेक्शन। अब यहां एक्टिव सेल क्यों नहीं किए, क्योंकि एक्टिव सेल सिंगल सेल के लिए होता है, यहां पे कई सारे सेल है उस पर तो सिलेक्शन होता है। अब मैं इस माइक्रो को रन करूं तो क्या करेगा, एक नई फाइल ऐड करेगा, उसको सेव करेगा, फिर उसमें एक सीट ऐड करेगा, उसका नाम डालेगा, फिर उसमें A1 B1 C1 डालेगा, फिर इसमें यहाँ पे अगर वर्कबुक को क्लोज वर्कबुक को सेव करना है तो यहाँ लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, नॉर्मली कंट्रोल एस जो करते हैं OS होगा, और क्लोज करना है तो सेम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। समझ गए, तो ये होती है माइक्रो प्रोग्राम। अब इसमें कोई उर्दू कोई फारसी या कोई चाइनीज चीज नहीं, समझ भी नहीं आएगा। आपने समझ गए कि वर्कबुक फाइल होता है, एक्टिव वर्कबुक भी फाइल होता है जो एक्टिवेट होता है, आपको पता है कि रेंज सेल होता है, A1 B1 C1 आपको पता ही है, आपको पता ही है कि बॉर्डर क्या होता है, आपको पता ही है कि सेव क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सिंपल कोड है क्या मैं यूट जी, तो इसमें रॉकेट साइंस है? नहीं सर। अब इस कोड को जब हमने लिख लिया तो अब क्या होगा कि हमने मेहनत सिर्फ एक बार किया, अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ये काम करना है तो इस काम को हम 1 सेकेंड में कर लेंगे, समझे? जी, क्या बोले चिंटू जी? यस सर, 1 सेकेंड में कर लेंगे ना। यस सर। तो ये आपका वीवीए प्रोग्रामिंग है, तो इसमें आप फाइल ऐड करना सेव एज करना वही काम है जो काम आप नॉर्मली एक्सेल पे करते हैं, उसके अलावा कोई और चीजें इसमें नहीं। तो आप लोग कीजिए इसकी प्रैक्टिस कल की क्लास में। हाँ, कल तो क्लास नहीं होगी,